गलत हो सकता है, सारे की पोजीशन रिवील, स्प्रे किया जाएगा, नॉक किया जाएगा, समाप्त करने की भी कोशिश की गई, लेकिन नॉक होने के बाद वो एक ऐसे कवर में चले जाते हैं जिसके कारण उन्हें समाप्त कर पाना उतना आसान रहेगा नहीं। जॉन सेना की बात करें, नीचे आ चुके डी वेसन के पास रहेगा कनेक्शन ढूंढने की कोशिश, लेकिन आप सामने देखिए प्लेयर बार बार पोजीशन बदल रहा है जिसके कारण जॉनसन के लिए भी वो कनेक्शन बना पाना इतना आसान नहीं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हटा गया काफी अच्छा वहाँ पे कॉल टीम एक्सपर्ट के आइजिल की तरफ से। एक अच्छा डिसीजन है यहाँ पर, उनको पता है कि एक साथ एकजुट होकर ही यहाँ पर इस मॉन्स्टर खिलाड़ी को रोका जा सकता है। उन्हें पता है कि ऊपर से डीपीएस का भी उनको साउंड आ चुका है, जो एक शायद मैं कह सकता हूँ एक मिस क्लिक तो नहीं था, वो फ्री फायर देने की कोशिश वहाँ पर थी गई थी वहाँ पर जॉनसन के द्वारा, बट अभी के लिए जॉनसन चाह रहे हैं कि वो ग्रेनेड कनेक्शन अगर ये बन जाता दो प्लेस भी डाउन हो सकते थे, लेकिन अभी भी दूसरी तरफ से यहाँ पर जॉनसन अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गॉब्लिन जो है कुछ राट टाइगर्स के अगेंस्ट में भिड़त करते नजर आएंगे, तो फाइट भी जाकर हो जरूर चुकी है, लेकिन जॉनसन जो भी जितने भी ग्रेनेड है यहाँ पर उसी का ही प्रयोग करते नजर आएंगे, हो सकता है स्मोक का भी यहाँ पर इस्तेमाल, लेकिन जैसे फिर उड़ते हैं दूसरी तरफ से भी यहाँ पर, तो दोनों ही छोर से उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश है, लेकिन ये क्लोज रेंज की फाइट क्या निकल जाएगी। जी हाँ, दूसरे प्लेयर को भी निकाल दिया गया है, क्या यहाँ से जंप लगाकर नीचे की तरफ दौड़ा जाएगा, अगर यहाँ पर एलिमिनेशन आएगा तो एक वन ऑफ द एपिक कलेक्शन कह सकते हैं बनता हुआ नजर आएगा। जॉनसन जरूर बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी डीपीएस के तीसरा कनेक्शन भी, ये चौथा बनने की, और हेवी गो वन बी फोर From call like Jonathan, अब उनके perspective से उनका क्या reaction चल रहा है, but public का reaction तो मेरे ख्याल से जैसी ये चीज live screen में जाएगी देखने लायक होगी, but ये क्या कर बैठे domination में Jonathan का वो नाम अंकित हो चुका है।